गिरसा गांव में वहां पे ये तालाब में मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी थी। बरवारी की कुछ मूर्तियां वहां पे विसर्जन के लिए गई थी। वहां पर पता नहीं किस बात को लेके वहां पे गिरसा गांव के लोगों में और जो लोग विसर्जन करने गए थे उन लोगों में विवाद हो गया। संयोग से मैं भी वहां पहुंच गया, मेरे साथ इंस्पेक्टर कोहराज भी पहुंचे, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख चाइल्ड भी थे। जैसे हम लोग को पता चला कि दो पक्षों में पथराव हो रहा है, हम लोगों ने भी बीच बचाव करने का प्रयास किया, मगर गिरसा गांव की तरफ से जिधर से पथराव हो रहे थे वो बड़े पूरी तैयारी के साथ थे, उग्रता के साथ उन्होंने तमाम तरीके से मतलब वहाँ पे इसको पोखराज और साथ में SI और पुलिस के सारे लोग वो भी सब घायल हुए हैं, उन्हें भी चोटें आई हैं, पुलिस वालों को चोटें आई हैं, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने भी दौड़ाया उन्हें भी चोटें आई हैं और उन्होंने पथराव, मेरी गाड़ी पर भी पथराव हुआ है। तो बाकायदा जो है उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, उसका वीडियो वगैरह भी बना हुआ है। बाकी जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने अन्य सारे नाम भी, वो प्रशासन उनसे नाम खुलवा रहा है। तो सैकड़ों की संख्या में ये हमलावर थे, अब ये गंभीर धाराओं में के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। इसमें जो मेन मुलजिमों के नाम आ रहे हैं उस गांव के पूर्व प्रधान एक यादव हैं, उन्हीं के यहाँ के 4-5 यादव के नाम आए हैं, वो मौके पे पकड़े भी गए हैं कुछ लोग, ठीक है, और वो सब समाजवादी के सक्रिय लोग हैं। और मैं भी इस बात को कह सकता हूँ कि सरकार को बदनाम करने का और क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करने का ये एक सुनियोजित साजिश भी मुझे प्रतीत हो रही है। मूर्ति विसर्जन के लिए दो पक्ष अलग अलग गांव के मूर्ति लेके आए थे, एक गिरसा गांव के थे, एक बरवारी के थे। इनमें आपस में DJ का कुछ कंपटीशन चल रहा था, मुझे बताया गया, हालांकि तालाब पे फोर्स मौजूद था, उसी में DJ बजाने के कंपटीशन को लेकर कुछ विवाद हुआ और उसमें आपस में झगड़ा हुआ, कुछ पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोगों की चोटें लगी हैं। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण में किया है, मौके से 5-6 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी की जांचरी कराई जा रही है और जो भी तहरीर आएगी उस हिसाब से मुकदमा लिख के जिन लोगों ने ये फसाद किया है उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।